तो अभी सुबह का 9:30 बजे है, ठीक है। और हम होटल स्टे इन जो कि एमपी नगर में है भोपाल के, तैयार हो चुके हैं, ठीक है। आज हम सेशन करते हैं अपना, उसके बाद में ऑफिस का काम जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद में हम मिलते हैं, हमारे दोस्त यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। रात में मस्ती करेंगे यार, प्रशांत भी आने वाला है मे बी, ठीक है। ईशान भी है, भोपाल में ही है, ठीक है। मिलते हैं, अभी देखते हैं नाश्ते में क्या बनाए नीचे, ठीक है। उसके बाद में नाश्ते के बाद में निकलते हैं हम ऑफिस के काम से, ठीक है। ओके, कहाँ पर है? फाइनली कंप्लीट सक्सेसफुली कस्टमर विजिट करने के बाद अब आखिर वो दिन आ ही गया था जब मैं थोड़ा सोच रहा था, तो मैंने ईशान को कॉल किया। अब ईशान और मैं फाइनली होटल को हमने चेकआउट कर लिया है और मैंने अपना सारा सामान गाड़ी में रख लिया। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से सीधे लेकिन की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हम वहाँ पर कौन सी बोटिंग करने वाले हैं। लेक व्यू का एक्चुअल 4 साल का बाद का जो सीनेरियो है वो देखना ही, मतलब सोच रहा था मैं कभी जा नहीं पाया, पर मैं यहाँ पर 4 साल रह के भी वोटिंग नहीं किया, पर आज ज़रूर करेंगे। फाइनली हम लेक व्यू पे पहुंच चुके थे। अब गाड़ी से उतर के हमें डिसाइड करना था कि हम किस बोट को चूज़ करें। तो अभी ईशान यहाँ पर अपने रिव्यू देगा, एक एक करके बताएगा कि कौन सी बोट का क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बैठ चुका है, ठीक है। मैं नहीं बैठा, सुनेंगे ध्यान से। आराम सुकून मिलता है। कौन सी वाली बोट में? पैडल वाली में। ये वाली जो दिख रही है इसमें क्या होता है? वो आदमी चला के ले जाता है। और ये पैडल वाली है, मतलब इसमें दो लोग रहते हैं, कितने भी लोग बैठ सकते हैं, पर हम अपनी होती, कोई तीसरा इंसान नहीं होता। ओके, चार्जेस बोट का ही होता है। ओके, चल, चार्जेस अलग अलग है, वो मोटर वाले में सस्ता महंगा है। यदि आपको यहाँ पर बोटिंग वगैरह करनी है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे अगर पैडल बोटिंग है तो यहाँ पर आधा घंटे 150 रुपये में 2 व्यक्ति आप कर सकते हो। मोटर बोट के लिए ये है। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि इसमें किस बोट में हमें बैठना है। तो डिसाइड करते करते अचानक हमारी नज़र यहाँ स्टॉल पे चली गई, ठीक है। अभी अंकल जी क्या क्या डालते हैं बना रहे हैं, और बोलिए सुनिए, इनकी बातें सुनिएगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये नींबू भी डाल दिए, गला ख़राब है हमारा। नींबू गर्म होता है? है, पहली बार सुनने को मिला नींबू गर्म होता है। चल आगे, चल आगे, चल आगे, चल। हाँ, तो यहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी है, अब हम जाने वाले हैं पैडल बोर्ड की तरफ। तो पैडल बोर्ड कहाँ पर है? तो हमारे मिस्टर गाइड ईशान मोदी चल रहे हैं आगे आगे, और वो हमें गाइड कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी राइड कर चुके हैं ना वोटिंग में, तो बताएंगे हमें। अभी नहीं देखो, देख लो भाई, मतलब जो व्यू है ना, मतलब एडजस्टेंट पे यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, मतलब जो मन शांत करने वाली बात है, जो दिन भर की भाग दौड़ के करते ना हफ्ते भर, यहाँ पर 15 मिनट बस देख के रहो, मतलब माहौल जो है ना यहाँ पर इतना शांत कूल माहौल, मन कर रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पर हमें अगर बोटिंग करनी है तो लाइफ जैकेट हमें पहननी पड़ेगी, तो फटाफट पहनते हैं लाइफ जैकेट और चलते हैं अपनी बोट की तरफ यार। चलो आओ।
में साइड बैठ गया। डायरेक्शन अपोजिट, लेफ्ट करोगे राइट जाएगी, राइट करोगे लेफ्ट, बोट को इस तरफ में चलाना है, ठीक है? किस तरफ चलाना है? नहीं जाना टापू तरफ। क्यों टापू तरफ कह रहा है? टापू तरफ कह रहा नहीं, मछुआरों का जाल लगा। अच्छा, तो आपका रहेगा सब कुछ। अब जो नाव वाले भैया ने रस्सी फेंक दी और छोड़ दिया हमको हमारे भरोसे, और साथ में चेतावनी भी दे दी, आप अगर डूबते हो उधर जाते हो फंसते हो तब आपका रहेगा। अब यहाँ पर पता है होता क्या है, जो डीजल वाली जो रेसिंग से निकलती है ना, अगर वो अपने साइड से जाती है बहुत तेज़ी से तो उसकी कुछ लहर बनती है, उसके कारण क्या होता है ये जो पैडल वाली नाव है ना कि बहुत जम से मतलब हिलती है, मतलब अजीब सा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से लहर आती है जब हमारी जो जो डीजल वाली जो पनडुब्बी है वो तेजी से जब हमारे साइड से निकलती है ना। जो भी खर्चा है वो क्या एमपी टूरिज्म में करवाता है क्या, मध्य प्रदेश पर्यटन? हाँ सारा पैसा वो ही रखता होगा ना। कैसा लगा वैसे घूमने के बाद? बहुत गंदा ना? बहुत अच्छा। मेरे को तो नहीं लगा, मैं अपने जो भी व्यूवर्स हैं उनको जरूर बोलूँगा नहीं कि ये पैडल वाला बोट वो चूज़ करें, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, है ना? तो आगे अगली बार से हम आएंगे तो ऐसे ठोंक पोंट मत देना हमको भाई, ठोको मत। अभी इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है? इसको अभी मैं फटाफट अपलोड करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। और वेट करो, सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब मारो।